नमस्ते भारत, भारत न्यूज 24 और हम आपके बीच लगातार समझिए कि गृह रक्षा वाहिनी के द्वारा अग्निशमन सेवा और हमारे साथ इंद्रजीत सर हैं, सब डिवीजन फायर ऑफिसर सर से जानेंगे कि जिस तरह से पड़ाका को लेकर के जागरूक किया जा रहा है इसके बारे में सर हमारे दर्शकों को बताएं। जी सर, जैसा कि हमारे धार्मिक रिवाज के हिसाब से दीपावली में हर्षोल्लास के साथ पटाखे फोड़ने का रिवाज है, हालांकि बिहार में बिहार सरकार के द्वारा पटाखा को बैन किया गया है पटना में, फिर भी हम लोग जो है यह जागरूक कर रहे हैं लोगों को कि अगर पटाखा जलाएं तो वह जो है मानक वाला पटाखा जलाएं, पर्यावरण से सुरक्षित पटाखा जलाएं, साथ ही अगर पटाखा जलाते हैं तो बच्चों को अकेला ना छोड़ें, साथ ही साथ उसके साथ बुजुर्ग हों, चाहे उनके पिता हों माता हों, साथ में कोई रहें, अगर पटाखा छोड़ रहे हैं तो शरीर से थोड़ा दूर रखें, अपने चेहरा से दूर रखें, साथ ही साथ पानी का बाल्टी रखें, बालू रखें, और अगर आग लग जाता है कहीं हाथ में अगर जल जाता है तो तब तक उसको साफ पानी से धोते रहें जब तक कि उसमें जलन जो है शरीर से न चला जाए, और फिर भी अगर आग लग जाता है और आपको कंट्रोल से बाहर लगता है, आपके नियंत्रण से बाहर, तो त्वरित फायर ब्रिगेड 101 या 112 को फ़ोन करें, जिससे कि हम लोग विभिन्न स्थानों पर अपने वाहन को जो है दीपावली के अवसर पे विभिन्न चौक चौराहों पे पहले से स्टैंड बाई में खड़े रखेंगे, जिससे जल्द से जल्द हम उनके करीब पहुंच सके और उनको जो है आग से बचाव का हम लोग जल्द से जल्द बचाव प्रदान कर सके। सर, ये कहाँ कहाँ पर जागरूक किया जा रहा है, केवल आज अलग अलग लोकेशन पे आप लोग जा रहे हैं कि किस तरह से इसके बारे में? हम लोग पूरे पटना जिला में है तो हमारा क्षेत्र अनुमंडल अग्निशमालय कंकड़बाग है, तो अनुमंडल अग्निशमालय कंकड़बाग के अंतर्गत जो है टेम्पू स्टैंड, मलाही पकड़ी चौक, परसा बाजार, राजेंद्र नगर, कुम्हरार, हनुमान नगर, ऐसे काटी फैक्ट्री रोड, ऐसे विभिन्न स्थानों पर हम लोग जो है लगातार जो है LED वाहन के माध्यम से, जिसमें से हमारा वीडियो है, पंपलेट है, उसके माध्यम से लगातार लोगों को जागरूक कर रहे हैं। सीधा यहाँ देखिए कि क्या है कि पटाखा से सुरक्षा पाने के लिए सीधा यहाँ सब डिवीजन सर इंद्रजीत सर साहब का, अमरजीत सर ने साहब कर दिया क्या कि आप लोग पटाखा छोड़िए लेकिन पर्यावरण के साथ साथ बचाव भी बहुत जरूरी है। खबरों के साथ बने रहिए कुमार हसन, भारत न्यूज 24। मकान के आसपास कबाड़ या कोई अन्य ज्वलनशील वस्तु जमा नहीं करे, घर के अंदर कभी भी पटाखा नहीं चलाने दे, चल रहे पटाखों के बीच कभी भी हाथ में फ्लावर पॉट, एटम बम, नली आदि नहीं रखे, खतरनाक और तेज आवाज करने वाले पटाखों के पास कभी भी बच्चों को नहीं जाने दे, पटाखों की दुकान के पास पटाखे कभी भी नहीं जलाए, बंद डिब्बों में कभी भी पटाखे नहीं जलाए, वहाँ उपस्थित रहना आवश्यक है, खुले मैदानों और खुले स्थानों पर पटाखे जलाना सुरक्षित है, घास फूस से बने घरों और घास फूस के घरों के पास रॉकेट, फ्लावर पॉट्स और अन्य उड़ने वाले पटाखे नहीं छोड़ने चाहिए, कोई भी जैसे पटाखे को शरीर से अलग हटाकर चलाना चाहिए, पटाखे चलाते समय कसे हुए सूती वस्त्र पहने, सुरक्षा के लिए जूता चश्मा पहने, पटाखे चलाते समय बूढ़े लोगों, बच्चों और महिलाओं का ध्यान रखें, यदि दुर्घटनावश आप जल जाएं तो जले हुए स्थान पर तब तक ठंडा पानी डालते रहिए जब तक दर्द कम नहीं हो जाए और डॉक्टर को दिखाएं, जरूरत पड़ने पर स्थानीय फायर ब्रिगेड की सहायता लें, किसी सयाने व्यक्ति की अनुपस्थिति में बच्चों को कभी पटाखे नहीं जलाने दें, आधे जले पटाखे को दोबारा से कभी नहीं जलाएं, मकान के बिल्कुल 70 पटाखे नहीं जलाएं, फर्श पर या